बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान विद न्यू लीगल लेक्चर। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कंपनसेटरी कॉस्ट। कंपनसेटरी कॉस्ट किसे कहा जा सकता है, प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 35A सीपीसी में दी गई है कि एक किस्म की समटाइम कोई केस फाइल होता है तो कोर्ट उसको जुर्माना लगा देती है, तो इसको कहते हैं कंपनसेटरी कॉस्ट। तो ये क्या होती है, देखिए जो कि सेक्शन 35A सीपीसी में मौजूद है, यानी ऐसी कॉस्ट जो कि इम्पोज की जाती है फॉल्स और वेक्सेशियस अगर कोई क्लेम करता है या डिफेंस करता है इन फॉर्म ऑफ द सूट की सूरत में, कि सिविल सूट की सूरत में, तो उस सूरत में ये कॉस्ट दूसरी पार्टी को दी जा सकती है। ऐसी कास्ट होती है जो इम्पोज की जाती है कि उसने ड्यूटी ऑफ वैक्सीनेशन क्लेम फाइल किया है, अगर अंडर सेक्शन 35 के तहत कास्ट अवार्ड की गई होगी तो, मगर वो सफिशिएंट कंपनसेटरी ना होगी तो कोर्ट इजाफी कास्ट कामयाब पार्टी को भी इसके अलावा भी दिला सकती है। कोर्ट को ये भी अख्तियार हासिल है कि कंपनसेटरी कास्ट दे दे मगर स्पेशल कास्ट ना दे, ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। यानी कास्ट कंपनसेटरी कास्ट भी है, स्पेशल कास्ट भी है, इजाफी कास्ट भी है, तो कोई भी कास्ट, दोनों भी कोर्ट दे सकती है या फिर एक इजाफी भी दे सकती है, एक दे सकती है कंपनसेटरी दे सकती है, स्पेशल कास्ट नहीं देती, डिपेंड करता है कोर्ट पे। अब ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 तक कहा गया है कि 25,000 तक की कॉस्ट कोर्ट कर सकती है, अगर उसको ये पता चले कि ये इसने केस जो किया है ये वैक्सेशियस किया है, इसका क्लेम जो है ये फॉल्स है, झूठा है, अगर ये कोर्ट में साबित हो जाता है तो कोर्ट उस पर कंपनसेटरी कास्ट जो है वो अलाउ कर सकती है, वो दिला सकती है। अब जो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए कि ताकि लोग झूठे केस फाइल ना करें, कोर्ट का टाइम बर्बाद ना करें, इसलिए इस किस्म के ये सेक्शन 35A जो को प्रोवाइड करता है कंपनसेटरी कॉस्ट को, तो उस सिलसिले में ये कहा गया है कि ताकि झूठे केस फाइल ना हो, उसकी हौसला शिकनी हो, और लोग जो समटाइम ऐसा भी हो ब्लैकमेलिंग के लिए भी झूठे केस फाइल कर देते हैं, इससे बचने के लिए, झूठे और ब्लैकमेलिंग केस से बचने के लिए सेक्शन 35A सीपीसी का इजाफा किया गया है, और खासकर के दूसरी पार्टी को स्कैंडलाइज कर दिया जाए, उसको ब्लैकमेल कर दिया जाए और फिर जो है झूठे केस फाइल कर दिया, तो कोर्ट लॉ में ये कहा गया है कि इस किस्म के बिहेव को, इस किस्म के क्लेम को ख़त्म करने के लिए, और इसके अलावा नीचे कोर्टों में जो रश है, केसेस का बर्डन है, उसको कम करने के लिए, और ताकि झूठे लोगों को कोई ब्लैकमेल ना कर सके, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर ये प्रूफ हो जाता है तो कोर्ट कंपनसेटरी कॉस्ट अलाउ कर सकती है दूसरी पार्टी को। पहले ये कॉस्ट 25,000 थी, बल्कि अब इसको बढ़ाने के लिए भी सिफारिश की गई है, होप ये अमेंडमेंट जल्दी आ जाए, 50,000 का सिफारिश की गई है कि कंपनसेटरी कॉस्ट भी 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी जाए, ताकि झूठे केस कोई फाइल ना कर सके। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत है, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।